गाइस, आज हम करेंगे एक नई रिएक्शन वीडियो का आरंभ। आज हम करेंगे एक नया रिएक्शन किस पे, फ्लीट एसएमपी पे, जो मेरे को लगता है कि हाँ बढ़िया मोमेंट्स हैं, थोड़े फनी मोमेंट्स हैं, थोड़े काफ़ी प्यारे मोमेंट्स हैं, उन पे हम करेंगे रिएक्ट। ठीक है, तो भाई रिएक्शन वीडियो में जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूँ, तुम चैनल कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि भाई 100 के जाना मेरा ड्रीम है यार, साथ चलेंगे 100 के भाई। ठीक है, तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब करता कि हम 100 के जाएं। सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर रह गए, मतलब 2300 रह गए ऐसे, तो 2300। ठीक है, तो भाई फटाफट से चलते हैं वीडियो के अंदर, और भाई आज तुम्हें दिखाऊंगा मैं मौज कैसे होती है। चलो, आ चुके हैं अपनी भाई फर्स्ट वीडियो की तरफ भाई, जो कि है नॉट गेमर फ्लीट चैनल से। ठीक है, मतलब फ्लीट भाई का चौथा चैनल है वो, नॉट गेमर फ्लीट तो उससे है। तो भाई आज हम रिएक्ट कर रहे हैं भाई, जब हम जेल में बंद थे फ्लीट एसएमपी के, जब हमको डीमन किंग भाई साहब ने जेल में बंद कर दिया था। तो भाई चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आज की वीडियो भाई, हमारी फर्स्ट क्लिप। तो भाई वीडियो को फटाफट से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भाई चलते सीधा पहली क्लिप की तरफ। नमूना क्या है, जेल में बंद है, आराम फरमा रहा है भाई, यहाँ आराम फरमाया जा रहा है। अरे तू थक गया था, यहाँ पर हम एक हफ्ते से बंद है हम यहाँ पे। सही बात है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बैठ गया पर थक गया था वो वहाँ पर। हेलो, अबे भाई कुछ हो जाए, कुछ ढूंढ लेते भाई। यहाँ पे ना मैं सो रहा था भाई, पता है एक हफ्ते से मैं क्या करूँ, जेल की दीवारें देखूँ भाई, मैं सो गया भाई। फ्लीट भाई को पता था, वो गुस्सा हो गए। अब देखो कुछ ये तरीका निकल जाए जिससे हम ये बार तोड़ पाए। हम लोग लिटरली ये बार्स वार्स कुछ भी नहीं तोड़ सकते, तुम देख रहे हो। रोनी भैया जाग गए क्या? जग गए। इसका मतलब ये बैठा हुआ था, देखो, और वो वहां पे सो रहा था, बहुत सो रहा था मैं। और ये हाँ, ये इस बंदे को कोई काम नहीं है भाई, ये बंदा सिर्फ देखने आया था भाई हमारे पास। ये जेल में बंद होता रहता है, कोई काम नहीं था भाई इस बंदे को। ये धरती पे बोझ है भाई, ये बंदा, ये एसएमपी की धरती पे बोझ है। तुम देखो ये भाई, एक आंख का जैसे थे यहां, मैं 10 साल से जेल में। हां तू डिजर्व करता है, तू यू डिजर्व इट। हरकत है ना तेरी, तेरे को तो 10 साल, तेरे को 20 साल बंद होना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं तेरे को यहीं पे तेरे लिए घर बना। अबे ये मत, मेरे साथ हो। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई हेलो, हम 20 साल एक साथ नहीं रहेंगे भाई। हेलो ओए भाई, 20 साल फ्लीट भाई को जैक के साथ रहना पड़ेगा भाई, सोचो उनका क्या हाल होगा, मेंटल स्टेट बूम। जैक चल रास्ता ढूंढ, इधर इधर सुन, मैं तेरे को धक्का मारूंगा, तू ये वाले से निकल। ठीक है, तू ये वाले से उस साइड निकल लियो। ठीक है, मैं तेरे को धक्का मारूंगा, चल मेरी मेरी पीठ पे कूद। मैं ओए बुला रहा भाई, मैं हेलो कूद, सुनो कूद मेरी पीठ पे। अबे भाई इसको अपनी पीठ पे मत रखो भाई, तुम्हें पता ना क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये। अबे सुनो सुनो, अबे मेरी बात सुनो। हां अबे तुम्हारे रूम में भी नल है क्या ये? अबे नल कहां, किसके रूम में नल, तेरा दिमाग खराब है, कोई नल नहीं है। क्या कह रहा तू, इसको पीठ पे क्यों नहीं रखूं मैं? अबे भाई कान पे पात दिया इसने फिर। जेन्युइन कंसर्न बाप, फालतू की बात भाई, जेन्युइन कंसर्न है भाई ये मेरा। देखो अगर उसने कुछ ऐसी हरकत करी तो भाई नुकसान किसका होगा, हमारे लीडर गए, हम जेल से कैसे बाहर निकलेंगे बताओ। आजा जैक जल्दी आ, मेरी पीठ में चढ़ा जा, मेरी पीठ में चढ़ा भाई, खिड़की इसका दिखा दो, मेरी पीठ में चढ़ा, बगल वाले में जा जल्दी आ, इधर मेरे रूम में नल है ये देखो। अबे क्या करूं मैं उस नल का, पानी पी ले, उस नल से पानी पी ले, दिमाग खराब कर रहा है, नल है। अरे इसको चुप करा यार कोई। जैक पीठ में चढ़ मेरी, आजा जल्दी आ, मेरी पीठ में चढ़, आजा पीठ में चढ़ के बगल वाले में जा, चल ठीक है जल्दी आ, चढ़ने की कोशिश जल्दी जल्दी फटाफट। भाई तुम ये स्कीम मत लगाओ, घड्डी पैट उठ गई फिर भैया, और झुको। अबे क्या भाई, एक घोड़ा तो बन गया, और क्या चाहिए तेरे को? सही बात है भाई, छोटा सा हुआ है ना वो। अबे उल्टी साइड से आना, यहाँ से कहाँ से चढ़ रहा है, मतलब समझा नहीं मैं तेरी बात। तू बेटे तू ज्यादा तेज मत बन, तेरे को वहीं आके मारूंगा मैं, गंदी गंदी बातें कर रहा है। बेटे ये टूट सकता है, तेरे को वहीं आके मारो भाई, चाटे मार मार के मारो भाई, क्या दिखा मारो इधर आ, तेरे को बताता हूँ मैं, नहीं मार सकते, जेल में बंदा है भाई। तो गाइस हमारी अगली क्लिप थोड़ी सी इमोशनल है, उसके लिए चश्मा उतार दिया जाए। ठीक है, तो गाइस हमारी अगली थोड़ी सी इमोशनल है। तो भाई ये तब किया जब फ्लीट भाई 1 मिलियन सब्स पहुंचे थे। ठीक है, तो भाई ये बहुत स्ट्रगल के बाद वो 1 मिलियन सब्स पहुंचे थे भाई, मुझे पता है उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, क्या किया भाई, आई नो एवरीथिंग, मैं प्रधान हूँ। ठीक है भाई, बहुत स्ट्रगल किया भाई ने। तो भाई देखते हैं उनका क्या रिएक्शन था, उस टाइम मैं था नहीं, शायद मैं कहीं गया हुआ था, तो मैंने उनका लाइव वीडियो देख नहीं पाया। तो भाई देखते हैं उनका रिएक्शन क्या था। चलो ओ भाई लेट्स गो बॉय, भाई 1 मिलियन होने वाले हैं इस टाइम, 500 सब्सक्राइबर धक हो रहा है ब्रो, कितने गंदे हैं भाई, धम हो रहा है ब्रो, लेट्स गो, जल्दी करो मोहिम, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा करो मोहिम, लेट्स गो। अपने तो पता नहीं होंगे भी नहीं होंगे भाई, हम देख के खुश है भाई, भाई यूट्यूब एडजस्ट कर रहा है ब्रो। चलो भाई चलो चलो चलो, क्या बात है, यस ओ भाई आराम से, यस भाई, यस क्या बात है। अब भाई आराम से, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, अरे 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 अरे
अरे अरे भाई रोने का नहीं, रोने का नहीं, अरे यू आर ब्रेकिंग डाउन मैन, रोने का नहीं, अच्छा मौका है भाई। ओए उस्ताद जी, अरे भाई भाई भाई, अरे 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 अरे, मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, ठीक है? बताओ। Now get in this and this is honest, ठीक है? Let me tell you one thing. जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो मैं 20 साल का था, ठीक है? और ये एक ऑनेस्ट चीज है कि मेरे को सच्ची में नहीं पता था दोस्त कि भाई यार, ओए 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 भाई साहब आराम से यार, टेंशन नहीं लेनी। स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल है। तुम लोगों को लगता है भाई ऐसे कोई भी बन जाता है, भाई स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, मेहनत है, स्ट्रगल है, सब है भाई। थैंक यू सो मच। ओए 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 भाई, मैं नहीं देख पाऊंगा भाई। बहुत लोगों ने बोला था भाई कि यूट्यूब नहीं हो रहा है तो छोड़ दे ब्रो, कुछ कर ले जिससे फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा, जिससे ये कर पाएगा वो कर पाएगा। बहुत लोगों ने बोला था यार क्यों कर रहा है ग्राइंड, क्यों घिस रहा है बेफालतू का, क्यों कर रहा है इस चीज में मेहनत जिसमें पक्का भी नहीं है कि कोई भविष्य है कि नहीं है। अब का है भाई, बोलो कब आओ ना। कर लिया भाई हमने भी, आ जाओ भाई, छाती पे हाथ मार के बोल सकते हैं। बात मजाक है, मजाक है क्या ब्रो? कर लिया भाई हमने भी, कर लिया, कर लो आ जाओ। ओए नया भाई, उस्ताद जी रोने का नहीं, उस्ताद जी अरे भाई रोको ये पे भाई, आगे करो वीडियो को। तो गाइस आगे अपनी अगली वीडियो की तरफ भाई, जो कि है गेमर फ्लीट ओपी क्लचेस इन फ्लीट एसएमपी। तो मतलब ये सबसे बढ़िया क्लचेस है जो फ्लीट एसएमपी में फ्लीट भाई ने किए हैं। हमको ना आता है भाई क्लचेस करने, भाई हम अरे गरीब प्लेयर भाई, नूब प्लेयर भाई, जो प्रो प्लेयर है उनकी वीडियो देखी जाए। चलो तो ये है फ्लीट एसएमपी की कोई क्लिप है ये, तो इसमें भाई फ्लीट भाई बहुत बढ़िया क्लच कर रहे हैं, कोई सैंड वाला देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। और मैं यहां पे डेड हूं भाई, ठीक है, हाथ में सैंड है, मेरे को पता भी नहीं है उधर जैक क्या कर रहा होगा, क्या कर नहीं रहा होगा भाई। अच्छा, इसमें हम लोग कोई भी नहीं है, सबकी वीडियो है, मेरे को याद नहीं है यार। ओके आई मेड माय माइंड गाइस, हम लोग यहां पर से सैंड वाली एनर्जी करके निकलेंगे और अपनी बोट्स बचाएंगे वो मेन जगह के लिए जो हम लोगों को वहां से। अच्छा याद आ गया मेरे को, कौन सी वीडियो है, याद आ गया, याद आ गया। हम लोगों से फाइट लेने के लिए तैयार रहेंगे, गॉट इट। तो मेरे को कुछ तो ऐसा चाहिए होगा जो तेज तेज हम लोग वहां से बाहर निकल सके। तो गाइस एचपीएचपी फुल कर लिया, अब चलो स्टार्ट करते हैं भाई। चलो, चलो। हम लोग को यहाँ से भी निकलना पड़ेगा और फर्स्ट वहाँ भी जाना पड़ेगा, एंड जस्ट होप कि हमारा नेदरराइट का सारा सामान ना जलाओ या फिर गायब ना हुआ वहाँ से, क्योंकि मैंने देखा था जहाँ पर हम लोग खड़े थे वहाँ पे हॉपर्स थे। ये वो क्लिप लेट्स नहीं है जो मैं सोच रहा हूं, नहीं वो नहीं है। चलो करते हैं, चलो लेट्स गो। अरे भाई ओ भाई भाई, यस ओ भाई साहब, ओ भाई भाई, ये हम लोगों ने कर दिया, मैं इसीलिए बोल रहा था। चलो करते हैं एक और बार, एक और बार, एक और बार। ओ भाई अबे कैसे कर दिया ये, यस भाई मैं तो सात जन्म लगा के भी ना कर पाऊं भाई। ओ भाई भाई ये सही है भाई, कर दिया, मैं इसलिए बोल रहा था। प्रॉब्लम थिंग्स जहां पर कम डिस्टेंस है ना वो वाला हम लोग। तो गाइस ये हमारी चौथी क्लिप, नहीं तो गाइस ये हमारी तीसरी क्लिप। तो भाई इसमें गेमर फ्लीट भाई जैक को कर रहे हैं रोस्ट बहुत भयंकर, चलो देखी जाए। आ गया रसगुल्ले की शक्ल का बेटा, तेरे जैसे तो कितने रसगुल्ले खा गया मैं दिवाली में, पता है तेरे को? क्या बात है, चोर कहीं का ड्रामे देखो, ड्रामे जो लिखने जा रहा होगा, कुछ तो लिख कुछ तो लिख रहा है मेरा भाई। ओली ने दिवाली पार्टी में बुलाया था, क्या बात है, इसलिए लेट हो गया क्या बात। ओली और तुम दिवाली पार्टी कर रहे हो गए है ना, मुझे लग ही रहा था यार तुम तो बड़े ही खतरनाक बंदे हो यार। चलो अब जरा नीचे को आ जा, चल ड्रामे ठीक है ना, फैंसी पार्टीज भैया, फैंसी पार्टीज। अबे रसगुल्ले की शक्ल के तेरे को तो डब्बे में भी ना डालू मैं, तेरे को पता ना दो टाइप के डब्बे आते हैं, एक टीन का डब्बा आता है और एक आता है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक के डब्बे थैली में आएगा, थैली में थोड़ी सी चाशनी डाल दी जाएगी और एक रसगुल्ला डाल के फेंकूंगा। अब यहाँ अकेले काम बोलती, अबे यार तो भाई यार ये फिर से अपने सुअरों के साथ चटपटियाने लग गया है भाई। मैं तेरे को बता रहा हूँ जैक, रॉकेट के नीचे हाथ पैर बांध के सुर करके हवा में उड़ा दूंगा, तू मत। धमकी भाई धमकी, 101 देगी क्या मेरे को भी देगी? अबे हैं ये क्या हुआ अभी अभी बोलता है वो, इधर 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 जैक इधर, मेरा दोस्त है ना जैक, तो जैक तो दोस्त भी नहीं है मेरा यार, ये रसगुल्ले की शक्ल का ये दोस्त तो बनेगा मेरा, ये बात मेरा भाई है। बात करो यार, ये रसगुल्ला मैं गुलाब जामुन दोनों के दोनों एक साथ, ये नीचे ये देख रहा है, ये
अच्छा जैक आजा उनको बोल मत कुछ भी ठीक है। हाँ तो तू और मैं तो सही दोस्त बात, हैं सही यार, कहाँ सुअरों की बात बात कर रहा है तू है ना। आजा अबे भाई, अरे जैक सुअर भी अच्छे लगते हैं भाई। मेरे जैक कराटे ब्लैक बेल्ट तेरी भी बाल का बेल्ट, मन करता है तू सोए और मैं तेरे मुंह में पात दूं। एक और बार पात दूं मेरे जैक कराटे ब्लैक बेल्ट तेरी भी क्या दांत दूं, मन करता है तू सोए और मैं तेरे मुंह में पात दूं। क्या बात शायरी 101 जैक सोएगा, नींद आ रही तेरे को? अबे भाई बुरा मान रहे हो, शायरी भाई शायरी यार, तूने रात भर दिवाली पार्टी करी है ना, तेरे को नींद आ रही है? झूठ मत बोल ले जैक, तेरे को नींद आ रही ना रात भर दिवाली पार्टी करने के बाद? बदबू बहुत गंदी सच में, निकल यहाँ से, हल्ला गुल्ला मचा रहा है। सुन अब देख, जो हमारा मेंशन होगा वो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे राइट, तो हम लोगों को देख ऊपर को ना ये वाला फ्लोर रखना पड़ेगा जो हमारे इसका एक्सपी फार्म का है ठीक है। मान के चल के हमारा घर जो है, जो हमारा मेंशन है वो ऊपर बनेगा एक्सपी फार्म के फ्लोर पे, और ये वाला फ्लोर हम लोगों को उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसके लिए रहेगा। हम लोग सारे अपने एनिमल्स को सब चीजों को ऊपर ले जाएंगे ठीक है। ये फ्लोर सिर्फ और सिर्फ रहेगा वन ब्लॉक के लिए। तो बन गया होगा तू अब है ना, कौन सी डिग्री लगती है उसमें? आर्किटेक्ट भी तो बन गया होगा तू अब है ना, कौन सी डिग्री लगती है उसमें वो भी बता देना मेरे को, वो भी पढ़ी होगी तेरे पास है ना। MBBS की डिग्री लेके घूमता है तू, बलाक बेल्ट LLB बन के घूम रहा था कुछ तो पता नहीं क्या। बीटेक, अच्छा बीटेक लगती है उसमें, बीटेक लगती है इंजीनियरिंग। अरे मेरे भाई का हाथ कितना टाइट है, रहे सकल से वैसे सैड लाइफ। इधर को आइए जैक, इधर को आइए, यहाँ पे खड़े हुए एक बार आ, यहाँ को घूम। हाँ ये देखो हमारा इंजीनियर, ये देख रहे हो तुम ये, हाँ हाँ ये, ओहो कमर पे अगर हाथ रख देता ना क्या बात है, पूरा का पूरा अक्षय कुमार लगता भाई तू, पता है तेरे को? भाई भगवान कसम कह रहा हूँ, ड्रामे बाद देखे ऐसा नहीं देखा भाई, ड्रामे बाद देखे लखा लाख ड्रामे बाद देखे ऐसा नहीं देखा मैंने, ये ऐसा ये शुतुरमुर्ग जैसी शकल का बन ऐसे जाता है बिल्कुल अक्षय कुमार है जैसे। तो भाई ये हमारी आज की लास्ट क्लिप, और भाई इसका टाइटल है जैक भैया का पिटाई रिव्यू। भाई ये देखने के लिए तो मैं तब से बैठा था, चलो भाई देखते हैं इसके अंदर क्या है। एमरल्ड थे ये चोर आदमी, यहाँ से एमरल्ड भी चुरा रहा है मतलब, और यहाँ से आलू चुरा, भाई यार ये क्या चोर आदमी है भाई, कहीं से आलू चुरा रहा है कहीं से एमरल्ड चुरा रहा है, शर्म आदमी को है नहीं भाई। एमरल्ड दोगे सर आप हमें, एमरल्ड दोगे? क्या बात है भाई एमरल्ड दिया जा रहा है, अबे क्या करूं इसे एक एमरल्ड का, भाई बच्चे करेंगे क्या ये एमरल्ड? एक एमरल्ड है तेरे पास? अरे ना ना फ्रस्ट्रेशन नहीं, बच्चा है वो, फ्रस्ट्रेशन नहीं भाई, हो जाती है यार। भाई खुंदक ओपी। कुछ तो हो रहा है भाई, कुछ फनी सा होने लगा, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। अरे भाई क्या हो गया भाई, गुस्सा नहीं चिल। मेरे पास तो बहुत है, आपने पूछा ही नहीं, मांगे ही नहीं, एक एमरल्ड दे रहा है चोर कहीं का ऐसा। जैक की ओपनिंग सेरेमनी करनी पड़ेगी आई गेस गाइस। करो भाई करो, इट्स टाइम फॉर सम ओपनिंग, करो भाई, आई लाइक दिस। चलो भाई ओपनिंग सेरेमनी, चलो भाई जैक ओपनिंग सेरेमनी हाजिर हो। तेरे पास है और है तेरे पास एमरल्ड? जैक पहली बार जैक को खुलते हुए देखूंगा, देख मेरे हाथ में देख रहा है एमरल्ड है तेरे पास? और है एमरल्ड? और पक्का मना करेगा नहीं है, है एमरल्ड है नहीं है? कितने डायमंड दोगे आप? क्या बात, दो दूंगा पूरे दो डायमंड तेरे नाम, हमने किए दो डायमंड पूरे सनम, दो डायमंड कितने एमरल्ड देगा? अब इससे बढ़िया विलेजर से आके ट्रेड नहीं कर लूं, वो भी भाई एक डायमंड में एक एमराल्ड दे देता है भाई, ढंग की बात कर कुछ। अच्छा भाई, अच्छा गुंडाई तलवार दिखा रहा है तू, हैं आ जाएगा, आ लड़ेगा है? लड़ेगा, रुकना, भागा भागा कहां जा रहा है? रुक जैक, रुक भैया रुकना, ओ भाई लड़ेगा मेरे से तू। एक एमरल्ड मिला, अच्छा एक और है जैक, इज्जत से दे दिला, ला जैक, मेरे दोस्त कौन है? जैक है मेरा दोस्त,
मेरा दोस्त कौन है? जैक है मेरा दोस्त, जैक है मेरा दोस्त, ला जैक, ला ला, जितने भी एमरल्ड है साथ, मैं तेरे ना कान के मार दूँ, कुत्ता हूँ मैं, एक एक करके गिरा रहा तू यहाँ। इनका क्या है, इतने में क्या होगा रे, इतने में तो ना तेरे उसमें ना लगेगा ना मेरे उसमें लगेगा, क्या करें हम इतने का। आ मेरे पीछे आ, इधर यहाँ आ जा, वापिस दे दो। क्या बात है भाई, जैक को मेरे को लग रहा है भाई पिटने का डर खत्म हो गया भाई, फीड भाई से 14-15। अरे भाई उन्होंने पूरा स्टैक ही दे दिया। ठीक है आ मेरे पास, क्या बात है। आ जैक, आ जा अंदर, आ जा जल्दी आ, ये देख यहां हूं मैं, यहां हूं, आ जा। मेरे को लग रहा है इसकी पिटाई होने वाली है। लो भाई बटन तोड़ दिया गया है, दरवाजा की चाबी है मेरे हाथ में। क्या बात है, अब तू इज्जत से तेरे पास जितने एमरल्ड है वो मेरे को दे दे, ट्रैप हो गया। नहीं तो तुझे इतना मारूंगा मैं यहाँ पे आज, इतना मारूंगा तेरे को कि तू, तेरे को मम्मी याद आ जाएगी अपनी। लो भाई बता रहा हूँ तेरे को, ये देखो रॉकेट भी छुपा के रखे हुए। चल बेटा चल जाए, दे दे भाई, दे दे पिटाई हो जाएगी। क्या है ये, क्या करूं मैं, सारा कूड़ा फेंक रहा हूं भाई, कितना तेज है जैक भी। मुझे वो चाहिए जो जो तू छुपा के रखा है, फटाफट निकाल बेटा यहाँ से, बाहर जाने का रास्ता की चाबी अब मेरे पास है। क्या बात है ना जैक, चलो बेटा इज्जत से रुको, निकालो निकालो जैक निकालो, 10 तक की गिनती वरना पिटाई शुरू होने वाली है अब। चलो जैक भैया पिटाई रिव्यू होने वाला है यहाँ पे। हाँ ये तो देखने आया हूँ मैं। ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाई छूट रहे, डायमंड निकल रहे, डायमंड निकल रहे, 7 डायमंड छूट रहे, 8, 9 और ये मैं आया जैक 10। ये क्या हुआ? ओ भाई ये भी बढ़िया था, एक नंबर भाई, एक नंबर। ये थी आज की वीडियो, होप तुम्हें पसंद आई होगी। तो भाई प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, दोस्तों शेयर कर लो, और भाई मैं मिलूंगा तुमसे अगली बार एक बढ़िया सी वीडियो में, शायद पता नहीं किसी चीज की वीडियो आ जाए जिसका तुम वेट कर रहे हो। ठीक है तो भाई तब तक के लिए बाय बाय।